खबर नरसिंहपुर से है, जहां देश में सुख शांति और मां नर्मदा के संरक्षण के लिए लगातार पैदल परिक्रमा कर रहे महाराज श्री गुरु दादा नरसिंहपुर के गाडरवारा पहुंचे, जहां भक्तों ने गुरुद्वारा महाराज का जगह जगह स्वागत किया। बता दें कि श्री दादा गुरु ने अपना जीवन और अपना सर्वस्व मां नर्मदा और प्रकृति पर्यावरण के संरक्षण के लिए समर्पित कर दिया है। दादा गुरु का उद्देश्य है कि मां नर्मदा जल की सार्थकता और सत्यता का प्रत्येक व्यक्ति समझे। नरसिंहपुर से चंद्रशेखर मालवीय की रिपोर्ट। ओंकारेश्वर से शुरू से ही यहाँ 27 नवंबर से प्रारंभ है। दादा गुरु महाराज के विषय में सुना है कि कुछ खा पी नहीं रहे हैं। नहीं लेते ना दादा श्री, कब से नहीं ले रहे? मैंने 3.5 साल करीब हो रही है। जल पे माता के लेते थे, इस दान की जो परिक्रमा है वो दादाजी की बाई पे चल रही है। ये विश्व रिकॉर्ड कायम हो रहा दादाजी का बाई पे, और शाम को माता श्री का जल लेते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं लेते। दादा गुरु महाराज कहाँ के रहने वाले? दादा गुरु महाराज जहाँ तक जबोली जलपुर तरफी के हैं उनका। दादा गुरु महाराज वैसे तो ये आपके एमपी के रहने वाले हैं जबलपुर के, लेकिन 3.5 साल से ये नहीं रहा रहे और हमारे साथ चलते हैं। अब इनकी 7वीं परिक्रमा है, तो 6 परिक्रमा 7वीं परिक्रमा ये हवा के ऊपर ही है। दादा गुरु हवा पर चलते हैं, रात को जब जिस स्थान पर उतरते हैं तो वहाँ पर थोड़ा एक जल लोटा लेते हैं मैया का, बाकी इनमें चलते हैं।